यहाँ हो रही है हमारे लंच की तैयारी। तो लंच में आज हम क्या बनाने वाले हैं? पीली तायरी। पीली तायरी के लिए हमने ये देखिए चावल धोकर साफ करके रख लिए, ये मैंने देखिए पहले से ही धो लिए थे। तो और ये खूब सारा हरा धनिया जो कि हमें फ्री में मिलता है, और ये रखा है हमारा अभी अभी बस अम्मा ने काट के दिया है। ये देखिए कितना फ्रेश फ्रेश दिख रहा होगा आप सबको। और ये मैंने खूब सारा काट के रख लिया है तायरी के लिए। और ये हमारे नॉर्मल मसाले जो कि हल्दी मिर्च धनिया और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है, और प्याज कटी रखी है, और ये है जीरा, जीरा डालेंगे, और ये रखें आलू। और बस भिगोने में हमने ऑयल डाल लिया है, ऑयल हो गया है हमारा गरम, तो हम बस इसमें डाल देते हैं, इसमें से लेकर जीरा। देखिए कितना तेज गरम हो गया हमारा ऑयल। देखिए हमने जीरा इसमें डाल दिया है भिगोने में। तो बस अब हम ये प्याज डाल देंगे। प्याज भी डाल दी है, काफ़ी तेज़ गर्म हो गया था हमारा ऑयल, तो बस ये प्याज भी हो जाएगी। तो अब हम इसको चला देते हैं थोड़ा थोड़ा। डाल देंगे हम ये मसाले अपने। तो मसालों में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस नॉर्मल मसाले हैं, और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर और ये वापस इसी में डाल देते हैं। तो हम अच्छे तरीके से अपना मसाला भून लेते हैं। ये भुना हमारा मसाला, उसके बाद डालेंगे हम आलू। आलू के बाद डालेंगे सबसे पहले हरा धनिया जो कि हमने खूब सारा काट के रखा है। इसके बाद हम चावल डाल देंगे, और फिर और अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, टाइम हुआ है अभी 12:30 बजे का। तो हमारे 1 बजे तक लंच रेडी हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए, गैस को थोड़ा तेज़ कर देते हैं, ठीक ठाक मसाला तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ तायरी। आप सब बताइए आप सब कैसे बनाते हो। यह हमारा मसाला भुन चुका है, देखिए ऑयल छोड़ दिया है, खूब अच्छी तरीके से भुन गया है। तो अब हम डाल देंगे इसमें ये आलू जो कि हमने खूब सारे काट के रखे हैं। हमें चटपटी सी तायरी अच्छी लगती है, तो हमने इसमें आलू भी डाल दिए हैं। और अब डाल देंगे हम ये हरा धनिया। ये देखिए कितना सारा ऐसा लग रहा है जैसे सब्जी बना रही हूँ। अभी देखना आप सब इसमें ही समा जाएगा ये जितना भी मैंने हरा धनिया डाला है। अभी डालेंगे हम थोड़ा सा पानी, बस थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं। अभी इसको और भूनेंगे थोड़ा सा, चलाते रहेंगे क्योंकि ये हरा धनिया थोड़ा सा खड़ा खड़ा ना रहे। तो मैंने ये गैस स्लो कर दिया था, अब इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और जल्दी जल्दी अपना ये मसाला भून लेते हैं। बहुत ही सच में चटपटी हमारी बनकर रेडी होगी तायरी। मैंने काफ़ी बार बना ली है, पर सोचा आप सबके साथ भी शेयर कर दूं। तो बस यहाँ हमारा रखा है दूध, अभी थोड़ा ही है, अभी दूध वाले आए नहीं हैं, आएंगे तो फिर हम इस गरम करेंगे दूध। तो और आप सबको टाइम भी बता देती हूँ कितना हो रहा है, लेकर चलती हूँ। ये देखिए
हो रहा है 12:30 का टाइम, मैंने बोला था ना 12:30 बजे ही अभी, तो बस सही वाला टाइम है। 1 बजे तक हमारी तायरी बनकर रेडी हो जाए। इसमें डाल दिए हैं, ये देख लीजिए चावल तो हमने डाल दिए हैं, आलू और धनिया सब कुछ, तो बस इसमें क्या बाकी है, नमक। अभी फ़िलहाल नमक डाल देते हैं इसमें, थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं। तो इसमें मैंने नमक डाल दिया था और पहले भी डाल दिया था मैंने मसाले में नमक, तो अब नमक इसमें ठीक ठाक हो गया। तो ये देखिए हरा धनिया कितना दिख रहा है ऊपर ऊपर, और जब बन जाएगी जब आप लोगों को दिखाएंगे कितनी बढ़िया बनी थी। तो बस अब इसका लगा देते हैं ढक्कन। किधर गया ढक्कन इसका, ये रहा इसका ढक्कन, तो इसको ढक देते हैं और ये भी इसके ऊपर रख देते हैं, थोड़ा सा रख इस। बस अब हमारी तायरी तो बन जाए। देखते हैं कि हमारी तायरी बनी है क्या नहीं बनी है। वाओ कितनी अच्छी बढ़िया तायरी बन करके रेडी है, देख लीजिए आप सब भी कैसी लग रही है आप सबको। तो देखिए तैयार है, और अब आप सब देख रहे होंगे इसमें हरा धनिया कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें देख लीजिए चावलों ने ना सभी हरा धनिया खा लिया। तो अभी हम प्लेट में निकालते हैं तायरी, अभी हम निकालते हैं अपनी प्लेट में तायरी, और आप सब भी खा लीजिए गर्मा गर्म तायरी, देखिए कितनी टेस्टी और मज़े की बनी है हमारी तायरी। अगर ये वीडियो हमारी आप सबको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करिएगा, और प्यारा सा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कल के मेरे वीडियो में मैंने बहुत मेहनत से वीडियो डाला और उसमें कॉपीराइट आ गए तो मुझे बहुत ही बुरा लगा। मैंने बहुत मेहनत से अपना वीडियो बनाया था, तो अब ऐसा नहीं होगा, शायद इसमें नहीं आए। तो कमेंट ज़रूर करिएगा, आप सब देख लीजिए कितनी टेस्टी तायरी बनी, और आप सबको धनिया दिख रहा है बिल्कुल नहीं, कहीं कहीं दिख रहा होगा क्योंकि धनिया इसमें इसी तरह से समा जाता है। तो मैं आप सबको दिखाती हूँ, ये लीजिए आप भी खा लीजिए, बहुत टेस्टी बनी। फिर मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।